हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक होंगे? धूप बहुत तेज़ लगी हुई है और कल हमारे घर के सामने जो मंदिर है, कल वहाँ पे रात को जागरण भी हुआ, सुबह 6 बजे तक फिर पूजा हुई, फिर प्रसाद लेके लोग अपने अपने घर चले गए। तो नवरात्रि ख़त्म हो चुके हैं, भगवान की कृपा सभी लोगों में बने रहे, सब अच्छे से रहे, आपस में माहौल सब ठीक हो। और धूप बहुत तेज़ लगी हुई है, गर्मी बहुत हो रही है आजकल, और पहाड़ भी आजकल साफ दिखाई दे रहे हैं, आजकल बारिश नहीं हो रही, बस अब एक बारिश की ज़रूरत और उसको उसके बाद क्या पता ठंड आ जाए, कोहरा वोरा लगना स्टार्ट हो जाए। सुबह सुबह ओस बहुत गिर रही है, सुबह में आज मैंने क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट करा, आपको क्रिकेट का व्लॉग भी मैं जल्दी दिखाऊंगा। और बहुत सारे छोटे छोटे लड़के आते हैं, बड़े भी आते हैं, पर सुबह सुबह बढ़िया टाइम पास हो जाता है, बॉडी भी खुल जाती है। तो सुबह हम 6:30 बजे के लगभग खेलते हैं और 8:30 बजे तक क्रिकेट, क्योंकि आजकल छुट्टी पड़ी हुई है जिस स्कूल में हम खेलते हैं इंटर कॉलेज की। तो उधर अभी मंदिर में आपको सुना जा रहा होगा, अभी उधर पूजा हो रही है, चारों तरफ का माहौल इस प्रकार से। और कल इंडिया भी जीत गई, 240 रन में भी इंडिया 17 रन से जीत रही है। तो बॉलिंग में अभी इंडिया को काम करना पड़ेगा, और जो इंडिया इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में T20 सीरीज़ चल रही थी 7 मैचों की, वो इंग्लैंड जीत चुकी है। तो ऐसी छोटी छोटी खबर मैं आपको लाता रहूँगा और कहीं की। यार देखो पहाड़ मेरे पीछे कितने साफ दिखाई दे रहे हैं, इधर बहुत सारे घर बन चुके हैं। लोगों की फसलें भी अब अच्छी खासी हो रही है, बहुत दूर तक ये खेत फैला हुआ है, और मेरा कुत्ता आसपास कहीं इधर ही घूम रहा होगा। और इधर आप देख सकते हैं घर बहुत सारे बन गए, और वो है अपनी मंदिर, जहाँ पर आपको हल्का सा टेंट दिखाई दे रहा होगा, इस पेड़ के पीछे वो मंदिर छुप गया है। मेरा कुत्ता यहाँ पर बैठा रहता है आराम से, अभी जब वो थक जाएगा तो खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ओए पता नहीं कहाँ गायब हो गया दोस्त इस झाड़ी के बीच में, बहुत दूर तक उमरापुर फैला हुआ है, और मैं आपको दिखा रहा था ना टोमो, ये रहा। अरे थक गया, जय हाँ जल जा, मत जा मत जा मत जा, चले गया। वैसे तो ये कुछ नुकसान पहुंचाता नहीं है, बस ऐसे ही कीट पतंग सूंघता रहता है। बहुत ही अच्छा माहौल इस टाइम बना हुआ है, और ये जो सफ़ेद वाला घर देख रहे हो हमारे साथ, एक लड़का छोटा सा लड़का फुटबॉल खेलना था, उसका घर है। ये अपनी गाड़ी है और ऊपर किशनपुरी है, बिल्कुल शांत हो रखा है पहाड़ में, बिल्कुल शांति लग रहा है, बिल्कुल थक गया है, अब ये इधर ही बैठ जाएगा, बैठ जा ठंड में बैठ जा। और उधर फैक्ट्री है, थोड़ा बहुत पोल्यूशन उधर दिखने लग गया है। ये जो आप देख रहे हो ये पूरे झंडी चौड़ में घूमती है ये आंटी, ऐसी बस मुसाफिर। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है यार, यहाँ पर थोड़ा सही भी है गाड़ी खड़ी करने के लिए, और यहाँ पे जगह भी है, तो मुँह यहीं हल्का हो जाता है।